इतने क्या क्या टर्न करना, मतलब कि अगर आपने थोड़ा सा भी रिस्क लिया ना, तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। और सरप्राइज है भाई आप लोग के लिए, देख सकते हैं आज मैं चला रहा हूँ भाई, राइड कर रहा हूँ पल्सर 180। और मिलेंगे निकल गए आगे, तो चलिए पकड़ते हैं भाई थोड़ा। अपने एमटी से, और भाई आज एकदम प्रॉपर संडे राइड होने वाली है। मजा आ जाता है भाई ऐसी राइड करके, और आगे तो और भी मज़ा आने वाला है भाई। सुबह का नज़ारा देखिए, ये पुल कितना खूबसूरत लग रहा है, बस दिल कर रहा राइड करने का। चलिए आप लोग तो भाई चलते हैं आगे। तो गाइस अब चलिए यहाँ से चलते हैं, और देख रहे हैं यहाँ पे एकदम नया हाईवे बन के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं भाई कि एमटी में डेफिनेटली पावर ज़्यादा है, लेकिन 180 इतनी ज़्यादा भी अंडर पावर नहीं है। अगर आप भाई अच्छे राइडर हैं तो आराम से भाई मैच करके चल सकते हैं। और देख सकते हैं भाई यहाँ पे हम लोगों ने पूरा थ्रॉटल खींच दिया है, और भाई सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैफिक भी नहीं है एकदम, और रोड कितनी अच्छी बन चुकी है, और बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे भाई हम लोग कोई मतलब प्रॉपर ट्रैक रेस नहीं कर रहे हैं, बस भाई डेस्टिनेशन पहुँचना है, इसलिए बस एक फ्रेंडली थ्रॉटल पुल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं भाई 180 में यही है भाई, एक अच्छा है कि विंड ब्लास्ट आप अगर टक इन कर जाते हैं तो विंड ब्लास्ट आपको नहीं लगता है। वही एमटी है भाई, काफ़ी ज़्यादा आपको विंड ब्लास्ट फेस करना पड़ता है। और पल्सर 180F की ट्रैक रेस मैंने पल्सर RS 200 से, और इसकी एक टॉप स्पीड की वीडियो GPS के साथ अलग से बना रखी है अपने चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पे मेरे देख सकते हैं भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये भी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं टोल पे, और बस यहाँ से टोल क्रॉस कर रहे हैं, और भाई काफ़ी बड़ा स्पीड ब्रेकर, और भाई पेट्रोल देख रहे हैं किस तरह बाइक पी रही है कंटिन्यू। हम लोग 110 120 ऐसे चल रहे हैं भाई। हम लोग जा रहे हैं राजदरी और देवदरी, और यहाँ से करीब ज़्यादा दिखा रहा है भाई, अब 61 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, हम लोग गलत रास्ता लग रहा है पकड़ने, किसी से पूछना पड़ेगा भाई। पैदा देखिए कितना अच्छा हो गया है, और इतनी ताज़ी ठंडी हवा चल रही है ना, तो थोड़ा धूप निकला है तो वो भी पता नहीं चल रहा है अभी फिलहाल। और लगभग 60 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं भाई। गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ से राजदरी देवदरी 14 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से, और एकदम स्ट्रेट है।
लेकिन व्यू देख लीजिए कितना प्यारा है भाई। चलिए थोड़ा सा कवर करके आगे चल रहे हैं। भाई इतने शार्प शार्प टर्न्स है ना, मतलब कि अगर आपने थोड़ा सा भी रिस्क लिया ना तो अभी तो मान लीजिए भाई इतना सुबह का टाइम है कोई आया नहीं, नहीं तो उधर से काफ़ी तेज भाई कई गाड़ी गाड़ी भी आती है तो बहुत रिस्क है। तो इसीलिए भाई हमेशा आपने कंट्रोलिंग में चलाएं बाइक और हमेशा एकदम मतलब सेफ्टी हेलमेट ज़रूर पहने और कभी भी भाई एकदम जोश में आके भाई होश मत खोइए। देखिए भाई एकदम मतलब ऐसे ऐसे सडन टर्न जाते हैं ना कि भाई आपका कॉर्नरिंग कुछ काम नहीं करता है। भाई ये देख सकते हैं, ये है भाई राजदरी का रिजॉर्ट और भाई सब चीज़ तो मुझे ठीक है समझ में आ रहा है, ट्रैकिंग कर सकते हैं आप लोग, जंगल सफारी है, कैंप लगा सकते हैं, लेकिन भाई इस जंगल में शादी करने कौन आ रहा है भाई? क्या नीलेश भैया आप ही का शादी होगा यहीं पे? नहीं भाई भाई शेर चीता भालू कब निकल जाए पता नहीं भाई, शादी में यही सब मेहमान बन के आएंगे। वाह रे भैया अब हम लोग को चलना है भाई इधर, इधर तो रिजॉर्ट था, चलिए चलते हैं। अभी तक तो फिलहाल सब कुछ अच्छा चल रहा है और इतने ब्रेकर्स भाई की बस पूरे रास्ते में समझ जाइए ऐसा ही आया हूँ एडवेंचर करते हुए। ट्री गेट और चलिए चलते हैं भाई, यही है भाई, यही है, यही है, यही है भाई। वाटरफॉल यही लिखा है ना जलप्रपात, वो देखिए ना बना। चलिए बनीले भी है भालू माता को सही में लगा है और वो देख रहे हैं भाई भालू बना हुआ है कहीं से भी निकल सकता है। इतना रिस्क आप लोग के लिए लेके व्लॉग बना रहे हैं भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फाइनली जिसका इंतज़ार था, चलिए ये रहा भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है आप देख सकते हैं यहाँ से। मस्त एकदम, और इधर से भी पूरा प्रॉपर कवर करते हैं भाई। सब देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं राजदरी वाटरफॉल में, वाटरफॉल तो भाई उधर इधर से पानी आ रहा है और नहा रहे हैं यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है। पहले देखिए यहाँ पे जो है वो रेलिंग नहीं होती थी, अब यहाँ से बीच में अब रास्ता बना दिया गया तो भाई सेफ्टी के लिए और सेफ भी रही है ऐसी जगह पे भाई, ऐसा नहीं है कि आप कूद जा रहे हैं उधर तो बहते हुए पता चला चले गए हो गया बहुत पानी है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत पानी है, बहुत पानी है। तो गाइस अभी भाई खाना पीना नहाना सब हो गया है, बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और अभी मैं चला रहा हूँ एमपी नीलेश भैया की और नीलेश भैया चला रहे भाई पल्सर 180। काफ़ी मज़ा आया भाई और एमपी के चलिए मज़े लेते हैं। पावर है भाई
कितना रिस्की है भाई। तो गाइस फाइनली अब बनारस पहुंच चुके हैं और तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं भाई ब्लॉग को। तो होप करता हूँ भाई ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में।